नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग आईपीएल की अपडेट्स आ रही है। अगर आप लोग आईपीएल के फैन हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में आप सभी को घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले ना, अगर आप लोग आईपीएल के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो, क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहाँ पे जो है मैं आप सभी को सबसे पहले आईपीएल की, क्रिकेट की जो भी अपडेट्स आती है मैं आप सभी को जो है टेलीग्राम पे सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। वहाँ पे आप लोग नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करके रख लो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिनेश कार्तिक और उमरान मलिक के साथ में। फिलहाल अभी तक आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक, उमरान मलिक, ये जो है ना प्लेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जिसको देखते हुए ऐसी जो है ना अपडेट आ रही है कि बीसीसीआई जो है ना दिनेश कार्तिक और उमरान मलिक दोनों को जो है टीम इंडिया के T20I स्क्वाड में शामिल कर सकती है, जो कि सीरीज़ होने वाली है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आईपीएल के जस्ट बाद जो है साउथ अफ्रीका आएगी इंडिया में, खेलेगी सीरीज़। ये सीरीज़ के अंदर जो है ना दिनेश कार्तिक और उमरान मलिक दोनों जो है प्लेयर को मौका मिल सकता है। सब कुछ अब डिपेंड करता है रोहित शर्मा के ऊपर और कोच राहुल द्रविड़ के ऊपर, सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये लोग चाहते हैं तब डायरेक्टली कार्तिक और उमरान मलिक जो है टीम इंडिया के स्क्वाड में डायरेक्टली आ जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिचेल मार्श की। बहुत लोग जो है ना मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं मिचेल मार्श की अपडेट दो, तो मैं जो है आप सभी को इनकी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, तो ये होता है टेलीग्राम पर जुड़ने का फ़ायदा। बात करते हैं मिचेल मार्श और टिम सैफर्ट की। दोनों प्लेयर जो है फिलहाल कोविड पॉजिटिव पाए गए थे लेटेस्ट में, लेकिन अब जो है खबर आ रही है कि मिचेल मार्श और टिम सैफर्ट दोनों प्लेयर जो है फिलहाल कोविड नेगेटिव पाए गए हैं। दोनों प्लेयर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, टीम की प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले चुके हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। मिचेल मार्श और टिम सैफर्ट कम्प्लीटली ठीक है और उन्होंने भाई अपनी प्रैक्टिस भी चालू कर दी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के मैच की। आज जो है दिल्ली और केकेआर का मैच होने वाला है, जिसके लिए जो है ना दिल्ली की टीम एक स्पेशल जर्सी पहनने वाली, जो कि वो 2021 के आईपीएल में पहनी थी, एक स्पेशल जर्सी, बहुत ही कलरफुल जर्सी रहेगी। तो आज के मैच में जो है दिल्ली की टीम ये जो है कलरफुल जर्सी पहन के हमको खेलते हुए दिखाई देने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विराट कोहली की। तो भाई विराट कोहली बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, जिसके बाद रवि शास्त्री अपना ऐसा एक ओपिनियन दिए कि रवि शास्त्री के मुताबिक जो है ना विराट कोहली को थोड़ा सा आईपीएल से ब्रेक लेना चाहिए, या तो फिर आईपीएल 2022 से उनको नहीं खेलना चाहिए, नाम को वापस लेना चाहिए। उनके मुताबिक कहीं ना कहीं जो विराट कोहली का ख़राब फॉर्म चालू है, भाई आप थोड़े टाइम के लिए क्रिकेट से ब्रेक लीजिए, क्रिकेट से दूरी बनाइए, उसके बाद कम बैक कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है विराट कोहली के लिए, कोई भी चीज़ सही नहीं जा रही है। तो शास्त्री के मुताबिक कोहली को जो है थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए उनके क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट, बात करते हैं आईपीएल 2023 से लेके 27 तक के अगले मीडिया राइट्स की, जिसको लेके बहुत बड़े बड़े कंपनी भाई इंटरेस्टेड है कि वो राइट्स को खरीदेंगे। भाई जहाँ पे जो वियोकॉम 18, जो भाई ये कंपनी है चैनल वियोकॉम 18, इसने जो है ना आईपीएल 2023 के मीडिया राइट्स के लिए जो है 13,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये वियकम 18 कंपनी है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ही हाई बिडिंग करने वाली है आईपीएल के अगले मीडिया राइट्स को लेके। दोस्तों एट द एंड बात करते हैं बेन स्टोक्स की। आपको मैंने बताया था इस हफ्ते इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स को उनका भाई कप्तान बना देगी, घोषित कर देगी। खबर आ रही है कि बेन स्टोक्स ने भाई इंग्लैंड की टेस्ट की जो कप्तानी है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, और बेन स्टोक्स ने ये तक बोल दिया है अगर वो कैप्टन बनते हैं तो वो जो है जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की जो वापसी है वो इंग्लैंड के टेस्ट टीम में चाहते हैं। बिकॉज हमने देखा था कि जब लेटेस्ट में इंग्लैंड गई थी वेस्टइंडीज़ के दौरे पे, वहाँ पे जो है ना इंग्लैंड की बोर्ड ने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों जो है बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया था, लेकिन स्टोक्स ने बोला है भाई वो कप्तान बनने के बाद एंडरसन और ब्रॉड को जो है इंग्लैंड के टीम में वापस देखना चाहते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो, मैंने आप सभी को दे दी। इस वीडियो में इतना ही, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।